हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वापस किधर जा रहे हैं, इसे बैठा रहे हैं। चैप्टर वन हमारा बेसिक्स के मुतालिक है। कितना टाइम है? चल चल जाइए। अच्छा माउस कहाँ पे गया? चैप्टर वन बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का, इसको हम डिस्कस करते हैं। हमारा जो ग्रिड ए है इसमें तीन चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर थ्री जो हमारा आ रहा होता है। उसमें से चैप्टर वन बेसिक्स का है और इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पास्ट पेपर में इसमें से पूछे गए हैं। अराउंड 14 अटैम्प्ट्स में इसमें सवाल आया हुआ है, चैप्टर वन टू थ्री ग्रेड में से। बड़ा ईजी है, इसको देखते हैं। अच्छा, टेक्स्ट में मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी चीज़ जो है वो आपने क्रैम करनी है, कौन सी चीज़ जो है जो सिर्फ आपने क्या करनी है उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। ये चैप्टर वो है जिसको रट्टा नहीं मारना आपने, इसे बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना। चीज़ पढ़ ली है, इसको जाके क्या करेंगे आप अपनी वर्डिंग में लिख देंगे, आपको मार्क्स जो हैं वो पूरे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है सर? गवर्नमेंट जो है वो अपने खर्चे चलाने के लिए, मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए अपनी आवाम से ना कुछ पैसे वसूल करती है। कुछ पैसे? कुछ पैसे बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में एक बच्चा जब पैदा होता है बेचारा, उसके फीडर से लेके जब तक वो मरता नहीं है 80 साल का होकर, उसके कफन के ऊपर जो अर्क गुलाब लगा होता है वहाँ तक हम टैक्स पे करते हैं, कहते हैं कुछ पैसे। सॉरी सर, मैं अपनी स्टेटमेंट वापस लेता हूँ, बहुत ज़्यादा पैसे लेती है, उसको टैक्स का नाम दिया जाता है। टैक्स है क्या? टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट का शेयर है, या गवर्नमेंट जो है वो आपसे पैसे कलेक्ट कर रही है, अमाउंट ले रही है, रेवेन्यू ले रही है थ्रू इट्स लॉ मेकिंग बॉडी। भीख नहीं मांगती। आप शायद समझते हैं कि आपको लगता है वो आपसे भीख मांगने आए हैं, बट वो आपसे भीख मांगने नहीं आए होते, बल्कि वो क्या करते हैं, वो अंडर द अथॉरिटी ऑफ लॉ, जो भी लॉ मेकिंग बॉडीज़ हैं जिसमें आपकी पार्लियामेंट आती है, पार्लियामेंट से कानून पास करवाते हैं, फिर इस कानून के तहत क्या करते हैं, आपसे पैसे कलेक्ट कर रहे होते हैं। और पैसे क्यों कलेक्ट करते हैं? अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस वगैरह को मैनेज करने के लिए, पुलिस का निज़ाम, फौज का निज़ाम चलाने के लिए, DHA बनाने के लिए, सॉरी दाएं पर निकल गया, तो वो जो पैसे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टैक्स कहला रहा होता है। टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मकासद क्या हैं टैक्सेशन के? सर, ताकि आवाम की खिदमत की जाए, कला बहबूद के लिए खर्चा किया जा सके। ये इसका अच्छा मुस्तकबिल है स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पे। आवाम के फलाह व बहबूद के लिए, आवाम के मुस्तकबिल के लिए जी खर्चा जो है किया जा सके, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स। और वो आवाम आप मेंशन करना भूल गए हैं, DHA की आवाम थी। तो टैक्सेस क्या हैं? बेसिकली टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का प्राइमरी यील्डिंग टूल है। मतलब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा पैसा कहाँ से कमाती है? टैक्स से ही कमाती है। गवर्नमेंट को कलेक्शन होती ही कहाँ से है? गवर्नमेंट बिजनेस करके भी तो पैसा कमा सकती है। वो नहीं, स्टेट कभी बिजनेस नहीं करती। कारोबार करना स्टेट का काम थोड़ी है। स्टेट का काम हमेशा वेलफेयर करना होता है, कारोबार करना नहीं होता। वो जो कारोबार कर रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं? इसलिए हमारी स्टेट, आपके तो सीमेंट भी उनका है, आप तो अनाज भी उनका खाते हैं आजकल, सड़कें भी वो बना के दिए। तो नहीं, स्टेट का काम कारोबार करना नहीं होता। कारोबार करना हमेशा काम किसका होता है? प्राइवेट पार्टीज़ का होता है। तो वो कहते हैं ठीक है, आप काम करें, हम आपको रिसोर्सेज ला के देंगे। आपको फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री लगा देते हैं। आप फैक्ट्री लगाएं, आपके फैक्ट्री तक रोड हम बना देते हैं, फैक्ट्री तक बिजली के खंभे जो है वो हम लगा देते हैं। तो वो आपको रिसोर्सेज देंगे, आपको गैस की सप्लाई जो है वो हम दे देते हैं, आपको क्या कहते हैं इम्पोर्ट गुड्स हम करवा देते हैं, आपकी मार्केट्स तक रसाई हम, वो आपको सपोर्ट करते हैं। कारोबार आपने करना है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतने बंदे हैं ही नहीं। गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पंगे करेगी? 24 करोड़ आवाम का कुंभा पालना है गवर्नमेंट ने, तो कहाँ कहाँ गवर्नमेंट टांग उड़ाएगी? तो क्या कहती है, आप ही करें,
हाँ हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप कमाएं, हमें क्या करें, टैक्स पे करें। जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है उसके दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरे हैं सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये तीन हैं कि गवर्नमेंट जो है टैक्स को इस्तेमाल करती है सिर्फ़ और सिर्फ किसके लिए, रेवेन्यू की कलेक्शन के लिए। पैसा आएगा, ज़्यादा टैक्स होगा ज़्यादा पैसा आएगा, उधर ज़्यादा पैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना कंट्री चलाएगी, अपनी पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, हुकूमत चलाने के लिए, सैलरीज देने के लिए, पेंशन देने के लिए, मुल्क के मामला चलाने के लिए क्या चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। फिर गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए भी क्या चाहिए, पैसा चाहिए, टैक्स लगाती है। और माशरे में दौलत की मुनसिफाना तकसीम के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगा रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल टैक्स लेंगे अमीर से, किस पे लगाएंगे, गरीब पे, गरीब से टैक्स गवर्नमेंट लेती ही नहीं है। तो ये हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, बुनियादी मकासद क्या हैं। इसके आते हैं बाद हमारे पास सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। हम हमेशा यही समझते हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स का मतलब यही होता है कि जी गवर्नमेंट आएगी पैसा कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट आएगी पैसा कलेक्ट करेगी। पैसा कमाने के लिए, पैसा कलेक्ट करने के लिए क्या कर रही होती है गवर्नमेंट जो है ये कर रही होती है, ऐसा नहीं होता। पैसा कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना तो उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी क्या करने हैं, उसने अचीव करने हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब पास्ट पेपर में आपको ये टॉपिक में से कोई अराउंड 6 सवाल मिलेंगे मुख्तलिफ अटैम्प्ट में कि उसने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव पूछे हुए, कहीं 5 नंबर का, कहीं 10 नंबर का, कहीं 3 नंबर का, कहीं 6 नंबर का पूछा हुआ है कि बुनियादी मकसद जो है वो टैक्स कलेक्ट करना ही है, पैसा कलेक्ट करना ही है, लेकिन उसके अलावा क्या है, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं उसकी बात करें। तो जितने भी वीक इदारे होते हैं, जितनी भी वीक इंडस्ट्री होती हैं, उनको स्ट्रेंथ अप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का इस्तेमाल करती है। आपकी फैक्ट्री नहीं चल रही, वीक है, सेल्स नहीं हो रही, तो गवर्नमेंट आपको टैक्स एग्जेम्प्ट कर देगी, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही होगी, गवर्नमेंट आपको एग्जेम्पशंस दे देगी, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव दे देगी। जैसे मार्बल सेक्टर पाकिस्तान का वो ग्रो नहीं कर रहा, तो उसे ग्रो करवाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव दे रही है, उनको टैक्स माफ़ कर रही है, उनके लिए इम्पोर्ट करवा के दे रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स को इस्तेमाल कर रही है, मतलब टैक्स माफ़ कर दिया, खेले टैक्स के ऊपर ही हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो वीक इंटरप्राइजेज हैं उसको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उसके अलावा जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर आज 10 लाख रुपया हो और आपके पास ऑप्शन हो गाड़ी परचेज़ करनी है, और दुनिया जहाँ ने गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल है, लोकल भी है, जैपनीज़ भी है, कौन सा गाड़ी लेंगे आप लोग, जैपनीज़ पर जाएंगे, लोकल कोई भी नहीं जाएगा। इसलिए क्या होता है, गवर्नमेंट को पता है कि अगर हम पाकिस्तान में सब कुछ फ्री कर दें तो हमारी पूरी कौम कहाँ भागेगी, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भागेगी। इंपोर्टेड गवर्नमेंट ले आते हैं तो गुड्स कौन सी चीज़ है, तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भागेगी। अगर इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भागेंगे तो जो लोकल इंडस्ट्री है वो बंद नहीं हो जाएगी। अगर हर बंदा जैपनीज सुजुकी खरीदना परचेज करना शुरू कर दे तो जो लोकल सुजुकी है वो बिकेगी, तो फिर क्या, मेरा तो बंद हो चुकी हुई है दुजाग भाई। तो फिर क्या करती है गवर्नमेंट जो है लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए क्या करती है, इंपोर्ट जो है वो महंगी कर देती है, इंपोर्ट के ऊपर इतना टैक्स कर देती है, इतना टैक्स कर देती है कि लोग कहते हैं यार दफ़ा करो, लानत भेजो, हम लोकल चीज़ें इस्तेमाल कर लेंगे, सस्ते से कम बढ़ती है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया किसके बेनिफिट के लिए, लोकल इंडस्ट्री को बचाने के लिए। अगर गवर्नमेंट नहीं करे, लोकल इंडस्ट्री बंद हो जाए तो क्या होगा, बेरोज़गारी, मुल्क की इंडस्ट्री जा रही है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा जो सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स होते हैं उनको निगेट करने के लिए गवर्नमेंट जो है टैक्स इस्तेमाल करती है। मतलब अगर गवर्नमेंट आज पान के ऊपर, सिगरेट के ऊपर टैक्स डबल से डबल कर दे, लोग फिर भी पियेंगे, लेकिन दे आर ट्राइंग कि हम इसको क्या करें, निगेट करें। उसके अलावा इकोनॉमी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या होता है, टैक्सेस को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि जो बंदा फाइलर है, जो अपनी बंदा रिटर्न फाइल करेगा उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे। मतलब अभी रिसेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिसेंट गवर्नमेंट ने कह दिया है कि जो बंदा फाइलर है बैंक से अगर एक दिन में 50,000 रुपये निकलवाएगा या उस अबव अमाउंट, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
लेकिन वो बंदा जो नॉन फाइलर है, जो अपने रिटर्न फाइल नहीं करता, अगर वो विड्रॉ करेगा तो उसको 0.6% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो टैक्स है, अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है, टैक्स कलेक्ट करना नहीं। गवर्नमेंट कह रही ठीक है आपने टैक्स पे नहीं करना, आप फाइलर बन जाएं, अपने इनकम का हमें रिकॉर्ड दें, अपने एसेट्स का हमें रिकॉर्ड दें, डैट विल बी इनफ फॉर अस। तो गवर्नमेंट ये करती है टैक्सेस को इस्तेमाल करती है ताकि आपकी इकॉनमी की डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारे कंट्री का सबसे बड़ा अजाब यही है कि हमारी इकॉनमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। मतलब हमारी 24 करोड़ की अवाम है, आपके जो टैक्स फाइलर हैं ना वो 50 लाख भी नहीं है। मतलब 50 लाख बंदा भी रिटर्न फाइल नहीं करता पाकिस्तान में, और 24 करोड़ की अवाम। मतलब हम ये 50 लाख बंदा जो है ये इस 24 करोड़ की अवाम को पालने वाला है, तो ये सबसे बड़ा मसला है। तो इसलिए भी गवर्नमेंट यह करती है, गवर्नमेंट नॉन फाइलर के लिए ज़िंदगी तंग कर देती है ताकि फाइलर बने और गवर्नमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो, पता हो कि कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कितने पैसे नहीं कमा रहा। जैसे एक सी ए का ट्रेनिंग स्टूडेंट है, कितने पैसे कमाता है? एक भिखारी कितने कमाता है? 50 लाख। अब देखो ना, एक जो ट्रेनी है उसको जो 19,300 की स्टाइपेंड मिलेगी, उसका रिकॉर्ड पता है गवर्नमेंट को, लेकिन वो दरबार के सामने जो एक भिखारी बैठा हुआ है जिसके पास एक गाड़ी भी है, जिसके पास आजकल ग्रैंडी भी होगी, उसका पता नहीं गवर्नमेंट को? उसका गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, तो है कि नहीं? इसलिए गवर्नमेंट कहती है जो बंदे नॉन फाइलर हैं ना, इनको पकड़ो ताकि इनके ऊपर टैक्स लगाएं, उससे हमारी क्या हो सके, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी हो सके। उसके अलावा जो टैक्स है इसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है नेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए, ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो कर सके। स्कूल्स बनाती है, फ्री एजुकेशन, फ्री में रोड्स बना के दे रही है आपको, बिजली के खंभे। मतलब आपको शायद लगता है कि हमारी हुकूमत जो है वो बड़ी फजूल है, ऐसा नहीं है। अगर आप कभी जाएँ रेगिस्तानों में तो रेगिस्तानों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स लगा रही है, ट्रांसमिशन जनरेट कर रही है, जहाँ पे भी पैसा लग रहा है। आप यहाँ पे ये एक दीवार खड़ी करेंगे ना तो आपके 10-10 लाख लग जाते हैं। वहाँ पे रेगिस्तानों के अंदर थल का हो गया, थर का हो गया, पूरी लाइनें बिछा रहे हैं बिजली की, ट्रांसमिशन कर रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेगिस्तानों में रोड्स बना कर दे रहे हैं, बहुत महंगे रोड्स बन रहे हैं। तो आपके वेलफेयर के लिए फिर स्कूल्स मुफ्त किए हुए हैं, जो आपके हॉस्पिटल्स हैं ये मुफ्त हैं, तो और सॉर्ट ऑफ सस्ते ही हैं, मुफ्त भी हैं। दवाइयाँ जो हैं वो आपको सब्सिडाइज दी जा रही हैं। तो वेलफेयर के लिए क्या कर रही होती है गवर्नमेंट, ये टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। उसके अलावा जब गवर्नमेंट ने नेगोशिएट करना होता है, जब गवर्नमेंट ने बारगेन करना होता है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, तब भी टैक्स को इस्तेमाल करती है कि जी आप आएँ हमारे कंट्री में प्लांट लगाएँ, हमारे कंट्री में बिज़नेस करें, आप प्रॉफिट कमाएँगे, हम आप टैक्स नहीं लेंगे, आप आके हमारे मुल्क में मेट्रो बस बना दें, 5 साल आपका प्रॉफिट होगा, उस पर हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो टैक्स के ऊपर खेलते हुए क्या कर रहे होते हैं ये, कंट्रीज़ के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं, उनसे डील कर रहे होते हैं, वहाँ भी टैक्स को नहीं नहीं। मेट्रो जो थी वो टर्किश की थी, वो अपनी इन्वेस्टमेंट सारी पूरी करके चले गए हुए हैं। OLT जो है वो CPAC की है। उसके अलावा इन्फ्लेशन को रोकने के लिए या डिप्रेशन के इफेक्ट को रोकने के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर महंगाई हो रही है, गवर्नमेंट ने सेल्स टैक्स लगाया हुआ है, गवर्नमेंट सेल टैक्स को रिड्यूस कर सकती ताकि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो कम हो, तो वहाँ पर भी टैक्सेस क्या होते हैं, इस्तेमाल हो रहे होते हैं। उसके अलावा जो माशरे में गैर मुनसिफाना तकसीम है वेल्थ की, उसको रोकने के लिए भी क्या करती है गवर्नमेंट, टैक्स का इस्तेमाल करती है कि जिस बंदे के पास बाइक है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, जिसके पास गाड़ी है उसे टैक्स ले रही होती है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा रही होती है। फिर साइंस को, इन्वेंशन को, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, एजुकेशन एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स का सहारा लेती है कि जी आप साइंस फेयर लगाएं हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, आप एजुकेशनल फेयर लगाएं हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे हम आपको टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही होती है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। उसके अलावा वो तमाम लॉज जो मार्केट में से मोनोपोली ख़त्म करते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्सेस लगा रही होती है। अगर आप मोनोपोली करके बैठे होंगे गवर्नमेंट टैक्स आप पे लगाएगी। अगर आपकी मोनोपोली ब्रेक हो, मैक्सिमम कंपटीटर्स हैं वो मार्केट में आएँ, वो मार्केट में इन्वेस्ट करें, ताकि एक अच्छा हेल्दी बिज़नेस इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट होना चाहिए। तो ये कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अचीव करने होते हैं। अभी सारी जेनेरिक बातें हैं, ये इनको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इनको PDF के नोट चैप्टर 1 के वो प्रिंट ला के दे दो अभी, तो उसमें PDF वर्जन लेके आना, उसमें इनको आप रीड कर लीजिएगा, और इनको अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने इनको अपने वर्डिंग में लिखना है, इनको रटा मारने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है टैक्सेस को ऐसा डेवलपमेंट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना, ऐसा डेवलपमेंट तरक्की के लिए इस्तेमाल करना गवर्नमेंट करती है। अब कैसे करती है, गवर्नमेंट हो गई वो टैक्स फ्री जोन्स या ट्रेड फ्री जोन्स या इंडस्ट्रियल जोन्स जो है वो क्या कर देती है, वो इंट्रोड्यूस करवा देती है। जैसे आपको पता है कि ज़्यादातर सराइकी कहाँ आते हैं, लाहौर में जॉब करने के लिए, या कहाँ जाते हैं, कराची जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन हब है, इंडस्ट्रीज़ है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि यार ये इनफ्लक्स को रोका जाए, वो इलाके डेवलप हों, वहाँ पे लोग जाएं। अब उनकी भी मजबूरी है, इंडस्ट्री कहाँ लगी हुई है, यहाँ तो लाहौर लगी हुई है, यहाँ कराची लगी हुई है, लोग हिजरत कर रहे हैं, इलाके डेवलप नहीं हो रहे। तो गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट फिर कुछ जोन्स को, कुछ इलाकों को ट्रेड फ्री जोन, बिजनेस जोन, इकोनॉमिक जोन जो है वो डिक्लेयर कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे लोग आते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, आप उनको इंसेंटिव देते हैं, आप उनको टैक्स एग्जेम्पशन देते हैं। जैसे वहाड़ी इंडस्ट्रियल जोन है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ कि वहाड़ी है, वहाँ पे जाकर इंडस्ट्री लगाएं, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपको हम सहूलियात देंगे, आपके लिए इम्पोर्ट सस्ती है, ताकि लोकल जो वहाँ के हैं साउथ के लोग वहाँ पर काम करें, उनका इन्फ्लक्स ना हो। जैसा ग्वादर है उसको डेवलप गवर्नमेंट करना चाह रही है, तो क्या किया हुआ है, ग्वादर को फ्री ट्रेड जोन डिक्लेयर कर देते हैं कि यहाँ से इंपोर्ट करोगे टैक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे आपको टैक्स माफ़ कर देंगे 5 सालों के लिए। तो इस तरह गवर्नमेंट क्या करती है, जोन बनाती है, और उसमें फिर जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे क्या करती है, इन्वाइट करती है कि आप आएँ यहाँ इंडस्ट्री लगाएँ, लोकल्स को एम्प्लॉयमेंटशिप दें, हम आपको टैक्स माफ़ कर देंगे, हम आपको टैक्स इंसेंटिव देंगे, और वहाँ पे वो इलाका जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रही है, टैक्स को इस्तेमाल कर रही होती है। इसके अलावा जो अमीर लोग होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स जो है वो ज़्यादा लगाती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कम लगा रही है। हमारे मुल्क में जिसकी एनुअल इनकम 6 लाख तक है उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है, जो 6 लाख से ऊपर कमाएगा सालाना उसके ऊपर क्या करेगी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज कर रही होती है। उसके अलावा लग्जरी आइटम्स के ऊपर या इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट हाई कस्टम ड्यूटी लगा देती है, ताकि लोग इंपोर्ट कम करें, लोकल सब्स्टिट्यूट के ऊपर शिफ्ट हो, लोकल इंडस्ट्री जो है वो आपकी ज़रा फ्लरिश करे, उसमें तरक्की हो, वहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट हो, तो गवर्नमेंट ये काम जो है कर रही होती है। उसके अलावा डोनेशन का या वेलफेयर की एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या देती है, टैक्स क्रेडिट्स देती है। टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं कि आपको छूट दी जाती है, अगर आपका टैक्स बना 100 रुपया, आपने गवर्नमेंट के लिए डोनेशन कर दी है, गवर्नमेंट ने 10 रुपये टैक्स जो है वो आपको माफ़ कर दिए हैं। तो चैरिटी को प्रमोट करने के लिए, डोनेशन से कल्चर को प्रमोट करने के लिए, नाम क्या इसका, टैक्स क्रेडिट, तो किस किससे लेस होगा, टैक्स लाइबिलिटी से लेस होगा। गवर्नमेंट आपका टैक्स कम कर देती है जब आप ये चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, अगर एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स छोड़ देती है, ट्रैक्टर सस्ते कर देती है, ट्रैक्टरों के ऊपर कस्टम ड्यूटी कम कर देती है, FED कम कर देती है, फिर जो आपके कुछ सीड्स हैं इनकी इंपोर्ट के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट फ्री कर देती है, एग्जेम्प्ट कर देती है, ताकि ये मज़ीद एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे मुल्क में मज़ीद चलें। उसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह को टैक्स एग्जेम्पशन देती है, ताकि वो आएँ मज़ीद इस तरह की एक्टिविटीज़ करें, तालीम वगैरह आम करें। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या करती है, इन वेज से गवर्नमेंट सारा क्या कर रही होती है, डेवलपमेंटल पर्पज़ अचीव कर रही होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये 2 कॉमन क्वेश्चन हैं पास्ट पेपर के, 6 से 7 दफ़ा पूछे हुए हैं उसने, कि नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, या टैक्स को ऐसा डिवेलपमेंट के तौर के ऊपर हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, आप लिस्ट अभी आपका आ जाएगी, वो लिस्ट पढ़िएगा, 3 से 4 पॉइंट याद कर लें, और इनको अपने वर्ड्स में लिखना है, इनको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्रैमिंग वाली चीज़ कोई नहीं, ये बेसिक क्या है, जेनेरिक बातें हैं। आगे चलते हैं, आगे बेसिक्स ऑफ टैक्स लॉस की बात करें, कि इस दुनिया में जितने भी टैक्स लॉस बनते हैं वो इन बेसिक कैनन्स के ऊपर, इन बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर क्या होते हैं, बेस कर रहे होते हैं। एडम स्मिथ ने अपनी जो अलमशहूर व मारूफ तसनीफ थी वेल्थ ऑफ नेशंस में, ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए थे, जिसमें उसने कहा था कि कोई भी टैक्सेशन सिस्टम जो है वो इन असूलों के ऊपर, इन कैनन्स के ऊपर क्या करना चाहिए, बेस करना चाहिए। अब वो कैनन्स कौन कौन से थे, पहला है कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तीसरा है कैनन ऑफ इक्वालिटी, और चौथा है कैनन ऑफ इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। अब कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट क्या है, सबसे पहले कि जो टैक्सेस हैं वो उनकी पेमेंट करना क्या होनी चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, आसान होना चाहिए, ताकि लोगों को टैक्स पे करते हुए मुश्किल ना पेश आए, टैक्स की पेमेंट जो है वो इजी होना चाहिए। वो ना हो आप टैक्स पे करने गए हैं,
जाकर लाइनों में लगे हुए हैं, बारिशों में इसलिए हो रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इजी मेथड होना चाहिए। और जो डिपार्टमेंट है आपका टैक्स का कलेक्ट करने वाला, वो भी एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, इज्जत कर रहे हो, तो टैक्सेस जो हैं वो आपके क्या होने चाहिए, कन्वीनियंट होने चाहिए। दूसरा, कोई भी टैक्स सिस्टम है वो क्या होना चाहिए आपका, सर्टन होना चाहिए, आपको पता हो कि आपने कितना टैक्स पे करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, कितनी अमाउंट है, वो सारी के सारी क्या है आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपने कितनी टैक्स पे करना है, कितनी अमाउंट पे करना है, तो आप टैक्स कभी पे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको पता है आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं कि आपका जो टोल टैक्स है वो कितना है, 1000 रुपये है। अगर एक दिन 1000 रुपया, एक दिन 1200, एक दिन 1800 हो गया, कभी 500, कभी 600 हो जा, तो लोग कभी टैक्स पे नहीं करेंगे। तो आप जब टैक्स पे कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि सर्टेन है कि नहीं है। थर्ड है इक्वलिटी। इक्वलिटी कहता है कि टैक्सेस जो हैं, ये ना हो कि आप चेरी पिकिंग करें, इससे टैक्स ले लिया, इसको छोड़ दिया, नहीं। टैक्स जो है वो हर एक से लेना चाहिए उनकी इनकम की प्रोपोर्शन पे। जो ज़्यादा पैसे कमा रहा है, जिसके पास ज़्यादा इनकम है उससे टैक्स ज़्यादा लें, जिसके पास कम इनकम है उसके पास टैक्स क्या लें, कम लें। बट टैक्सेस जो हैं वो क्या लेने हैं, आपने हर बंदे से लेने हैं। और आखिरी क्या है, इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, के टैक्सेस जो हैं वो आपके इकोनॉमिकल होने चाहिए। वो ना हो कि आप इतने ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दें लोगों के ऊपर कि लोग कहें यार हम कारोबार ही नहीं करते, हम अपना बिज़नेस जो है वही बंद कर देते हैं, हमें महंगे लग रहे हैं, या आपके सिस्टम इतना इनएफिशिएंट है कि आप कलेक्शन 1000 रुपया कर रहे हैं और ख़र्चा आपका 1200 रुपये का आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, आपका इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो कोई भी जो टैक्स लॉज हैं वो किसके ऊपर बेस करते हैं, इन 4 कैनन्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, सर्टेनिटी, इक्वालिटी और इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, ये हमने डिस्कस कर लिए। तो ये भी आपने अपनी वर्डिंग में लिखने हैं, अगर आपको समझ आ गई है, ठीक है। उसके बाद है, जब भी हम टैक्सेस वगैरह इम्पोज करते हैं, जब भी हम टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, जब भी टैक्स लेवी किए जाते हैं, तो किन प्रिंसिपल्स, किन असूलों के तहत किए जाते हैं? रिमेंबर, 3 असूल हैं, 3 प्रिंसिपल्स हैं टैक्स चार्ज करने के, टैक्स लागू करने के। कोई भी टैक्स है इस दुनिया में वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक असूल के तहत लागू हो रहा होगा, इन तीनों में से किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के तहत क्या हो रहा होगा, इम्पोज हो रहा होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है, दैट इज़ द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कि आप टैक्स अगले बंदे पे उतना लगाएं जितना वो इजीली पे कर सकता है। एक बंदा जिसकी इनकम 50,000 पर मंथ है, अगर आप उससे 5,000 पर मंथ टैक्स लें, कि वो पे कर पाएगा इजीली? नहीं, वो उसके लिए कन्वीनियंट ही नहीं है, वो उसको पे नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बंदा जिसकी इनकम 5 लाख पर मंथ है, आप उससे 5,000 पर मंथ लें, वो क्या है, पे कर सकता है। इसका मतलब जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसके ऊपर टैक्स जो है ज़्यादा होना चाहिए, हाई रेट पे होना चाहिए। जिसकी इनकम कम है उससे टैक्स लें, छोड़े ना, बल्कि क्या हो, रेट जो है आपका कम होना चाहिए। तो पहला प्रिंसिपल आपका कौन सा है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है इनकम टैक्स आपका। जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होगी उतना टैक्स जो है वो ज़्यादा पे कर रहा होगा, जिसकी इनकम जितनी कम होगी उतना टैक्स जो है वो कम पे किया जाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है द बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, कि गवर्नमेंट टैक्स लगाए बेनिफिट्स के प्रोपोर्शन में, बेनिफिट्स के परसेंटेज के ऊपर। मतलब जो बंदा हुकूमत से ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है उससे टैक्स ज़्यादा लगाओ, जो डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से कम ले रहा है उससे टैक्स जो है वो कम लेना चाहिए। एक दुकानदार जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है और एक वो बंदा जिसने कंपनी बनाई हुई है, ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट से कौन ले रहा होगा? कंपनी वाला। तो इसलिए उससे टैक्स क्या हो, सजा लो। जो गली मोहल्ले में बैठा हुआ है उससे क्या लेना चाहिए, टैक्स हमें कम लेना चाहिए। तो ये हमारा सेकंड प्रिंसिपल है। और थर्ड प्रिंसिपल जो है वो हमारा कहता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है कि कहता है कुछ ऐसे कवानीन के मुताबिक आप टैक्स लें, सबसे लें, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। अमीर है, गरीब है, ज़रा कमा रहा है, कम कमा रहा है, हमें इससे रेलेवेंट नहीं है, हमने सबसे टैक्स निकलवाना है और एक फिक्स परसेंटेज पे लेना है। वो हमारा क्या कहलाता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहला रहा होता है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स।
अब सेल्स टैक्स में कभी भी दुकानदार नहीं देखता कि ये गाड़ी से उतर रहा है इसका टैक्स ज़्यादा लूँगा, ये पाँव पे चल के आ रहा है इसका टैक्स कम लूँगा। नहीं, हर बंदे से इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम वेल्थ एसेट्स आपसे फिक्स परसेंटेज पर टैक्स लिया जाएगा। तो ये मेरा क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। तो हमारे पास तीन प्रिंसिपल्स हैं, इन तीनों में से किसी ना किसी एक प्रिंसिपल के ऊपर कोई ना कोई टैक्स जो है बेस कर रहा होगा। इनकम टैक्स उस पर बेस करेगा, सेल्स टैक्स जो है इस पर बेस कर रहा होगा। हम पाकिस्तान में दुनिया में कोई भी कानून लगाएंगे वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक के ऊपर क्या कर रहा होगा, बेस कर रहा होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। ये मेरे लिए था। तो वो सही ने सही बना हुआ है। सही सोया हुआ। कौन? उसके बाद है काइंड ऑफ टैक्सेस हमारे पास, कि हमारे पास टैक्सेस की तीन टाइप्स हैं। आप इन अगर आइकन्स को फोकस कर दें ना, आपको उतने टाइप्स जो हैं वो समझ आ जाएंगी। एक है प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स, दूसरा है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स, तीसरा है हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स। लेकिन प्रोपोर्शनल टैक्स है या फ्लैट टैक्स है सबके लिए एक रेट के ऊपर, किसी को नहीं छोड़ना। ये जो है आपका रिग्रेसिव टैक्स, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स कम, जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर टैक्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, जिसकी इनकम कम है टैक्स कम, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स जो है ज़्यादा होगा। ये तीन अगर आपको आइकन समझ आ जाते हैं, आपकी ये टाइप्स जो हैं ये क्लियर हो जाती हैं। अब प्रोपोर्शनल टैक्स क्या है, कि इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम हर बंदे के ऊपर एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर टैक्स लगा दिया रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लैट टैक्स कहेंगे या प्रोपोर्शनल टैक्स कहेंगे। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, सेल्स टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, कि जो बंदे कम पैसे कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है, जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं उनके ऊपर टैक्स कम है। ये हमारा क्या होगा, रिग्रेसिव टैक्स। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 100 रुपीज़ की ब्रेड लेके आते हैं और उसके ऊपर 18 रुपीज़ आप सेल्स टैक्स पे करते हैं, एक वो बंदा जो डेली का 500 कमाता है, एक वो बंदा जो डेली का 5000 कमाता है, और एक वो बंदा जो डेली का 500 रुपया कमाता है, ये 18 रुपये ज़्यादा किसको महंगे पड़ रहे होंगे, गरीब आदमी है। इसके ऊपर इम्पेक्ट क्या है, ज़्यादा है। जिसकी लोअर इनकम है उसके ऊपर टैक्स क्या है, रिग्रेसिव है, ज़्यादा इम्पेक्ट है। जिसकी हायर इनकम है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये हमारे पास क्या होता है, रिग्रेसिव टैक्स होते हैं, ये बाय नेचर रिग्रेसिव होते हैं। जो भी हमारा है ना सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स बाय नेचर क्या है, रिग्रेसिव है। बिकॉज गरीबों को सेल्स टैक्स बहुत महंगा पड़ता है और अमीरों को इतना इसका सच फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिग्रेसिव टैक्स है। और प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, कि इनकम बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा। आप 1,00,000 रुपया कमाएंगे टैक्स कम है, 10,00,000 कमाएंगे टैक्स ज़्यादा है, 20,00,000 कमाएंगे टैक्स और ज़्यादा हो जाएगा। तो जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना टैक्स जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा होगा। तो ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं टैक्सेस की जो हमने डिस्कस कर ली। एक है हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स, ये अभी हमने देख लिया, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। आप इसको नोट्स आपके पास हैं, आप इन्हें रीड कर लेंगे, अपनी वर्डिंग्स में लिख लीजिएगा। फिर हमने देखा था रिग्रेसिव टैक्स, कि जो हायर इनकम ग्रुप है उसके ऊपर कम इम्पैक्ट है, जो लो इनकम ग्रुप है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा है, ये भी हमारा हो गया। फिर तीसरा था हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स, ये क्या था जी हमारा, कि जिसकी इनकम कम है उसके ऊपर टैक्स कम, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा होगा। पेपर में अगर आए तो आप इनकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्रोग्रेसिव एग्जाम्पल इनकम टैक्स हो जाएगा, और जो फ्लैट है उसकी एग्जाम्पल जो है वो आपका सेल्स टैक्स हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने याद रखनी है। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉज, कि जितने भी हम टैक्स लॉज की बातें कर रहे हैं इनके कुछ फीचर्स, इनके कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले जो टैक्स है, रिमेंबर ये एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, कोई भीख नहीं मांग रही गवर्नमेंट, जाके मस्जिद में लान नहीं करती कि मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों अल्लाह के लिए टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं करती। आती है बंदूक निकलते हैं, हमें टैक्स निकाल। तो बाय फोर्स ले रही है, लीगली क्या कर रही है, टैक्स ले रही होती है आपसे, भीख नहीं मांग रही होती। टैक्स जो है नॉर्मली कैश और कैश इक्विवेलेंट से, मतलब चेक की फॉर्म में या ऑनलाइन पे कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा गवर्नमेंट कह रही है आपका टैक्स लाइबिलिटी 1,00,000 रुपये आपके लिए, हमारा जो है बकरा उठा के ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। आपको पेमेंट करनी पड़ेगी कैश में,
या ओके जी टैक्स आपका पड़ा 50,000 रुपया, आपके लिए पड़ी 5 चावलों की बोरियाँ उठा के ले जाओ, ऐसे नहीं कर सकते। कैश में पेमेंट होगी, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह यहाँ पे नहीं वैलिड होते। उसके अलावा टैक्स जो है वो हमेशा प्रोपोर्शनेट होता है इन करेक्टर। नहीं नहीं मंडे को यहाँ से रखते हैं, बाकी यहाँ से ऑनर मंडे को करके हार्डली 5-6 मिनट का है चैप्टर वाइंडअप करके। हाँ तो गलत कर दे मामा, तो मंडे को हम इसको फिर यहाँ से कंटिन्यू करके जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा वो लेके चलेंगे। तो मंडे को आफ्टर क्लास जो है आपने इसका टेस्ट भी देना है, मंडे को इस चैप्टर का टेस्ट भी होगा, इसी चैप्टर का जो अभी हमने पढ़ लिया। तकरीबन चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, एक दो टॉपिक रह गए वो छोटे से 5-10 मिनट के, वो करने के बाद फिर आपका मंडे को टेस्ट भी होगा, वो आपको मंडे को कम्युनिकेट कर देंगे टाइमिंग और रूम क्या। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं मंडे को, अल्लाह हाफिज़।